आ जाएं, कुछ लोग यहाँ पे आ जाएं ताकि कैमरा में भी आएंगे तो बात भी मैं जो करूँगा ना। बैठे इधर आ जाए, कमांड में दियो, कमांड में। ठीक है जी, मैं आ रहा हूँ। देखिए जी, मेरा नाम जैन मोमिन है। अब मैंने आप सबको इस वजह से बुलाया है कि हम किस तरह ये हालात बेहतर कर सकते हैं। देखिए, हर किसी का अपना तरीका होता है हालात बेहतर करने का, ठीक है। तो मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, और फिर उसके हिसाब से अगर कोई सवाल हो तो आखिर में पूछ सकते हैं, लेकिन जो भी बात करूँगा आपके हालात बेहतर करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। अब जी पहले मैं आता हूँ, देखिए जी आपको मैं एक बात बता दूँ कि देखिए हमारे जो हालात हैं, आपके हालात हैं, हम हैदराबाद शहर में रहते हैं, हैदराबाद के जो हालात होंगे हमारे भी वही हालात होंगे। तो शहर जितना बेहतर होगा हम भी उतना बेहतर होंगे। आपको मालूम है दो चीज़ें जो होती हैं ना शहर को बेहतर करने के लिए बहुत ही अहम होती हैं। एक तो होती है कि गवर्नमेंट की कारकर्दगी, ठीक है, गवर्नमेंट जितना बेहतर काम करेगी उतना शहर बेहतर होगा। और दूसरी चीज़ है रिकॉर्ड सिस्टम, रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। अब रिकॉर्ड करना क्या होता है, देखिए रिकॉर्ड करना ये होता है कि भाई कितना इदारों में कितना बजट आया, कहाँ पैसे लगे, कितने लोग गरीबों की मदद की नहीं की, क्योंकि यहाँ पे अक्सर होता है पैसे आते हैं, ठीक है, बीच में किसी के जेबों में चले जाते हैं और 5-10% भी मुश्किल से लोगों के पास आते हैं, बीच में कोई और चला जाता है, ठीक है। बाहर मुल्कों से सर जो भी पैसे आते हैं ना ज़्यादातर किसी के जेबों में चले जाते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, ठीक है ना। और दीगर मसले रिकॉर्ड, अब इसका हल क्या है, रिकॉर्ड करना, ठीक है। अगर ये जो चीज़ें आ रही हैं एक बंदे से दूसरे बंदे का, जो चीज़ ये रिकॉर्ड होगी, सबूत होगा, तो हम वो पकड़ भी सकते हैं, उसको उससे रोक भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अफसोस है इसके हवाले से कोई बात नहीं की गई। तो जी अब आपको बताऊँ कि रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी दो चीज़ें, दो अहम चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है AI सर्वेलेंस, CCTV कैमराज जो होते हैं गलियों पर, रोडों पर, इदारों में लगी होती है, ठीक है ना। आपको मालूम है कोरिया, चाइना, अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, UK, इन सब के मुल्कों की रिपोर्ट है कि जहाँ CCTV लगी हुई हैं क्राइम रेट बहुत ही कम चला गया है, 30-40% क्राइम रेट कम हो गया है, ठीक है ना। करप्शन रेट भी कम हो गया अगर जहाँ इदारों में CCTV कैमराज लगे हुए हैं, ठीक है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है DNA एनालिसिस। देखिए DNA आपको मालूम है, पहले मैं बता दूँ कि DNA जो होता है अगर कुछ 10 साल पहले चले जाएँ तो अरबों में, ये एक टेक्नोलॉजी अरबों में इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये हज़ारों में आ गई है, इतनी कम रेट आ गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है। तो ये हम DNA से थ्रू सबूत और बीमारियां ढूंढ सकते हैं, बीमार लोगों के मसले हल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कैंसर हो गया, आप बच्चों की बीमारियां बगैर दवाएं, बगैर किसी इंजेक्शन से एक ही बार DNA के सीक्वेंस के थ्रू आपके पूरी ज़िंदगी कभी बीमार नहीं होंगे, ठीक है। ये DNA का पहला ये फ़ायदा है। दूसरा ये फ़ायदा है कि अगर कोई चोरी होती है कहीं, कोई क्राइम होता है या कोई भी चीज़ होती है, तो उसके लिए हम DNA के थ्रू हम उन लोगों को पकड़ सकते हैं और उसको सज़ा दे सकते हैं। अब देखिए, अब बात ये है कि इस मुल्क में क्यों हमारे हालात बेहतर नहीं होते थे। सज़ा देखिए, चोरी होती है, नाइंसाफी होती है, करप्शन होती है, पैसे किसी के गरीबों के कोई और खा जाता है, इसका हिसाब नहीं होता, जिसकी वजह से अदालतें उसको सज़ा नहीं दे सकती, क्योंकि हिसाब नहीं होता अदालत के पास, अदालत सबूत नहीं होता कि भाई इसने चोरी की है, कहाँ कैसे की, रसीदें कहाँ हैं, कोई हिसाब नहीं है, तो अदालत उसको सज़ा भी नहीं देगी चाहे वो कितना बड़ा मुजरिम हो। तो पहले ये जहन में रखेंगे भाई हमारे मसलों के सबूत होंगे तो हम अदालत में जाके इंसाफ ले सकते हैं। अगर हमारे पास सबूत नहीं होंगे, चाहे ये पानी खड़ा है, यहाँ पे मच्छर हैं, कितने भी अगर सबूत नहीं है, हमारा कोई मदद नहीं कर सकता। जो बाहर के मुल्क के लोग हैं, इदारे हैं, NGOs हैं, गवर्नमेंट है, वो भी आपसे पूछेंगे भाई सबूत देंगे हम, ताकि उतने हिसाब से आपकी मदद करें। सबूत लेने के लिए हमारे DNA और DNA ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। देखिए जी, मैं इसी तरह सोशल वर्क करता हूँ तो मुझे ज़्यादातर जो कंप्लेंट मिली है ना वो है ख़वातीन को हरासा करने की, ठीक है, ज़्यादा कंप्लेंट मिली, जिसकी वजह से ख़वातीन, देखें अभी भी देखिए चंद ख़वातीन है बेचारी घरों के अंदर ही बैठी रहती है, बाहर नहीं जाती, डर, हालात इतने बुरे हो गए हमारे शहरों के, ठीक है ना जी। उसकी वजह से मैं जी कल 13 अक्टूबर 2022 को मैं लतीबाद और कासमबाद की दोनों पुलिस स्टेशन गया, ठीक है, मैंने मालूम लेने के लिए, क्योंकि भाई हमारी ख़वातीन के जो हरासमेंट डेटा है, ठीक है ना, रिकॉर्ड है, वो आपके पास कितना है। मेरे पास ये सबूत है, मोबाइल में डेटा पड़ा हुआ है, वो सोशल मीडिया YouTube चैनल है, Facebook है, उसमें मैंने अपलोड भी कर दिया, आप देख सकते हैं। वहाँ पे जी पुलिस अफसर कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ख़वातीन बच्चों के साथ नासलूकी होती है,
बस फ्लू की होती है और दीगर क्राइम होते हैं, उसका कोई सबूत नहीं होता इनके पास, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को और हमारे ख्वातीन को हम इंसाफ ही नहीं दे सकते। अदालत के पास जाते हैं यही बच्चे ख्वातीन का, हम जो आप माँ बाप अपना केस लेके जाते हैं अदालत के पास, अदालत उनको मना कर देती है, भेज देते घर वापस, भाई सबूत नहीं है आपके पास। पुलिस के पास जाते एफ आई आर दर्ज कराने, पुलिस आपसे सबूत मांगती है कि भाई सबूत तो काम पुलिस का है, सबूत इकट्ठा करना, सबूत लेना पुलिस का काम है, लेकिन वो आम लोग आम आवाम से मांगती है भाई आप सबूत दो, इतनी ना अहली है। ठीक है, तो मैं चंद उनसे सवाल पूछे थे कि भाई क्या डेटा है आपके पास, सर्वेलेंस है नहीं है? नहीं है, जवाब नहीं है। डीएनए का रिकॉर्ड रखते हो नहीं रखते हो? नहीं रखते। आपके इदारे में पुलिस इदारा मुल्क हमारे पूरे मुल्क शहर में कोई भी सिक्योरिटी सेफ इदारा पुलिस के अलावा और हो ही नहीं सकता, एक भी खवातीन पुलिस अफसर नहीं है, मतलब इतनी हमारे यहाँ। देखें, हम जब अपने बच्चों को और खवातीन को अपने शहर में अपने हिफाजत से नहीं हिफाजत नहीं दे सकते ना, तो वो शहर भी ऊपर नहीं जाएगा। मेरे पास डेटा है, रिकॉर्ड है, जिन जिन ममालिक में खवातीन और बच्चों की हिफाजत जिन जो, जो, जो लीडरान ने पॉलिटिशन हैं गवर्नमेंट है जिन उनकी हिफाजत कर की हुई है रख और उनकी हिफाजत से उनको इदारों में गलियों रोडों पर चलने के लिए आज़ादी है और हिफाजत से चलते बच्चों और खवातीन, वो मुल्क ऊपर हैं। जिन पे जो जो खवातीन और बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उनको हिफाजत नहीं देते, वो नीचे है। पाकिस्तान भी उन्हीं में से ही, हैदराबाद भी उन्हीं शहरों में से। ठीक है ना जी, तो ये मेरी ये लतीबाद वुमेन और सेल स्टेशन लतीबाद ऑटोबान रोड पे और जी आर कॉलोनी की पुलिस स्टेशन कासमबाद, दोनों पे मैंने विजिट किया, ये दोनों के सबूत मेरे सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो ये जी हमारा नतीजा है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है ना जी, अब ये देखें ये क्या है, आप सब पूछ रहे थे कि यार सिगरेट के ये बट क्यों लेके आया बंदा। देखें, मैं आपके तावुन से देखने वालों से ये मैं हमारे SHO कासमबाद और SHO लतीबाद स्टेशन के SHO को मैं अक्यूज़ कर रहा हूँ। मैं अपने उनको मैं इन सिगरेट पीने सिगरेट नोशी के हवाले से मैं उनको उनका मुजरिम ठहरा रहा हूँ और उन्हीं के मैं समझता हूँ उन्हीं ने SHO जो है कासमबाद और SHO लतीबाद ने सिगरेट पिए हैं ये। ठीक है, क्योंकि और मैं उनको ये अदालत ले जा रहा हूँ। ठीक है, इसी हवाले से कि भाई इन 2017 में सिंध गवर्नमेंट ने कानून पास किया हुआ है कि भाई सिगरेट नोशी इदारों में मना है। ठीक है, नहीं होगी, लेकिन पुलिस स्टेशन दोनों पुलिस स्टेशन में मेरे सामने पी रहे हैं और हर पूरे पुलिस स्टेशन में सिगरेट के बट पड़े हुए हैं। ये मैंने वहाँ से उठाए हैं। ठीक है, ये मेरे सील की हुई एविडेंस है ताकि इसमें कोई DNA या कोई मच्छर या कोई जरासीम ना चला जाए हमारा ताकि ये साफ रहे और ताकि हमारे इदारे इसको DNA से लेंगे फिर साबित कर सकते हैं कि भाई SHO सिगरेट पिया नहीं पिया। ठीक है ना, अब मैं ये कह रहा हूँ कि हम DNA ये मैं उनको क्यों अदालत ले जा रहा हूँ और क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने पिए, क्योंकि देखें ये मैं देखें अगर उन्होंने साबित कर दिया मुझे झूठा तो मेरा वैसे करियर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं एक लीडर हूँ, सोशल वर्कर हूँ। अगर सबूत के तौर अदालत मुझे कहेगी भाई तुम झूठे हो तो मेरा तो मुस्तकबिल मैं लीडर नहीं हो सकता आवाम का, क्योंकि अगर झूठा हो गया अदालत में झूठा कहेगी। ठीक है, लेकिन मैं ये रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि मैं आवाम की खिदमत के लिए आवाम की मदद के लिए DNA क्योंकि मुझे मालूम है इदारों के पास DNA इकट्ठा करने का DNA के साबित करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस स्टेशन में कोई कैमराज नहीं लगे हुए। ठीक है, तो अगर मुझे झूठा साबित करने के लिए इनको सबूत चाहिए, इनको भी सबूत चाहिए। अब मैं इनको पुलिस स्टेशन को अदालत क्यों ले जा रहा हूँ? अवाम को जी 70-80 सालों जब से पाकिस्तान बनाए ये अदालत और पुलिस स्टेशन अवाम को कहती है कि भाई सबूत नहीं है घर जाओ हम आपको इंसाफ नहीं देंगे। आज मैं इनको एक क्राइम एक जुर्म के हवाले से मैं इनको अक्यूज़ कर रहा हूँ अदालत ले जा रहा हूँ। अगर इनके पास सबूत नहीं है तो मैं कह रहा हूँ कि SHO कासमबाद और SHO लतीबाद अपनी कुर्सी छोड़ दें अगर इनकी ये साबित नहीं कर सकते कि इन्होंने ये सिगरेट नहीं पिया है, क्योंकि अगर ये साबित नहीं कर सकते इनको कोई हक नहीं है पुलिस स्टेशन में बैठने का और पुलिस स्टेशन में अपने आप को पुलिस कहने का, जब ये अपने आप को ही नहीं साबित कर सकते कि सच्चे हैं तो ये आवाम को कैसे इंसाफ देंगे? आप गरीबों को कैसे मदद करेंगे कि भाई आपकी जो इमदाद और आपकी डोनेशन मिली है उसके पैसे कैसे आपको लेके देंगे आपके हक के पैसे, जब ये खुद इदारे में करप्शन कर रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। ठीक है ना जी, तो उस हवाले से ठीक है जी, ये जी एप्लीकेशन का एक आखिरी हिस्सा है जिसमें मैं सब लोगों की दरख्वास्त ले रहा हूँ, अगर जहाँ आपकी साइनें ज़्यादा होंगी तो जल्दी जल्द मेरा केस सुनेंगे, अगर साइनें कम होंगी या कम नहीं होंगी तो शायद अदालत लेट होगी। तो मेरी आप सबसे अपील है बरह बानी यहाँ पर ना अंगूठा लगा दी जाए ताकि हमारा केस जल्द से ये सुने जल्दी सुनेंगे और जल्द से SHO कासमबाद और SHO लतीबाद को अपना जो अपने सब प्रूफ देके आए ताकि ये उन्होंने जुर्म नहीं किया है।
जी हाँ शुक्रिया। जी को नहीं जोड़े क्या? शुक्रिया सर, आपने भी बच्चे भी लगाए, बच्चे भी लगाए जी, बिल्कुल बच्चे भी लगाए। जी आप भी लगाए जी, अखबार जी। अच्छा आप भी लगाए दोस्त। अच्छा सारे लोग आए कैमरा में, देखिए दोस्त कैमरा में सारे लोग आए। जी सर ये जब हमारा केस हो जाएगा ना सर, हमारे इंसाफ की जो लेवल बेहतर होगी तो आप मिलेंगे। अभी बिल्कुल भी नहीं ना करें बाबा, अच्छो इमदाद अच्छो अच्छो आप साइन करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।